प्रतिषेध अधिनियम 2006 में याद रखने वाली जो पॉइंट है उन्हें हम देख रहे हैं। ये हमारे ये जो लॉ वाले स्टूडेंट हैं ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ADPO के लिए फ़िलहाल हम इसे पढ़ रहे हैं। पहले मैंने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, फिर सेक्शंस पे जाएंगे। तो पहला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को दिनांक 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। दूसरा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधिनियमन का उद्देश्य बाल विवाहों के अनुष्ठान का प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। तीसरा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भारत से बाहर तथा भारत से परे भारत के सभी नागरिकों को लागू होता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 दिनांक 1 नवंबर 2007 को प्रवृत्त हुआ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2B में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह से अभिप्रेत है ऐसे विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2F के अनुसार अवयस्क से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन यह माना जाना है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। प्रत्येक बाल विवाह विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर शून्य करने होगा। वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत बाल विवाह को अकृत्य की डिग्री द्वारा बातिल करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था, यदि किसी बालक बाल विवाह को अकृत करने के लिए याचिका फाइल करते समय याचिकाकर्ता अवयस्क है तो याचिका उसके संरक्षक अथवा उस बाद मित्र अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के मार्फत की जा सकती है। वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत बाल विवाह को अकृत की डिग्री द्वारा बातिल करने के लिए अर्जी 2 वर्ष के भीतर फाइल की जा सकेगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन स्त्री को कारागार में दंडित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित परिस्थितियों में विवाह अकृत और शून्य समझा जाएगा। जहां कोई बालक जो अवयस्क है विवाह के प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है। दूसरा है किसी स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है। तीसरा है विक्रय किया जाता है किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवयस्क विवाहित है उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अधीन बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाले व्यादेश जारी किया जा सकता है। बाल विवाह प्रतिषेध करने वाला व्यादेश प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने पर या स्वप्रेरणा से भी जारी किया जा सकता है। जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध धारा 13(1) के अधीन व्यादेश जारी किया गया है उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा वह दंडनीय होगा दोनों में से किसी भांति के कार्यवाही से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। धारा 13 के अधीन जारी किए गए व्यादेश के उल्लंघन में चाहे उस अंतरिम हो या अंतिम अनुष्ठापित किया गया कोई बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के दिन दंडनीय अपराध संज्ञेय और आजमानती हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006(16)(1) के दिन राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16(3) में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य स्पष्टीकृत किए गए हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य हैं बाल विवाहों के अनुष्ठान का ऐसी कार्रवाई करके जो वह उचित समझे निवारण करे। वह इस अधिनियम के उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करे। तीसरा है इसके साथ हमें ये पढ़ना है बाल विवाह के अनुष्ठापन का संवर्धन करने सहायता देने या होने देने में अंतर्विलित ना होने के लिए व्यस्त
डोमेस्टिक मामलों में सलाह दे या क्षेत्र के निवासियों को साधारणतया परामर्श दे। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागरूकता पैदा करे। बाल विवाहों में मुद्दा पर समाज को सुग्राही बनाए। ऐसी नियतकालीन विवरणियां और आंकड़े दी जो राज्य सरकार निर्देशित करे और ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन कर जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनिर्देशित किए जाएं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16(4) के अधीन राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियाँ विनहित कर सकती है जो अधिसूचनाएं विनिर्दिष्ट किए जाएँ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 17 के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की 18 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 20 द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को संशोधित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निर्देशित किया गया है। बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध धारा 4 में दिया गया है। बाल विवाह के आकृत किए जाने पर अनुबंध करने वाली महिला पक्षकार को भरण पोषण प्रदान किया जाएगा जब तक कि उसका पुनर्विवाह ना हो जाए। भरण पोषण की मात्रा का अवधारण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। बालक की आवश्यकताएँ अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली एवं संदेह करने वाले पक्षकार की आय के साधन। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 5 के अधीन बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण अभिरक्षा उपबंधित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 के अनुसार बाल विवाहों से जन्मे बालक धर्मज बालक समझे जाएंगे। धाराओं 3, 4, 5 के अधीन अनुदोष प्रदान करने के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में वह जिला न्यायालय सम्मिलित है उस स्थान का जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है, जहां निवास अनुष्ठापित किया गया था या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था या जहाँ अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड धारा 9 में उबंधित थे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अधीन किसी वयस्क पुरुष को दंडित करने के लिए वयस्क पुरुष की आयु 18 वर्ष से कम अधिक होना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक के किसी वयस्क पुरुष द्वारा किसी बालिका का विवाह करने पर दंड है। कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के दिन बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए उपबंधित है। जो कोई किसी बालक को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, दंडनीय होगा। कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा। बाल विवाह के अनुष्ठान का संबंधित करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड है। कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 क्रमांक 6 सन 2007। बाल विवाहों के 10 जनवरी 2007। बाल विवाहों के अनुष्ठान के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उससे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 97 वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत से बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को भी लागू होता है, परंतु इस अधिनियम की कोई बात पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की सेनाओं को लागू नहीं होती। तीसरा है, यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवर्त होने के प्रति निर्देश है। परिभाषाएं।
इस अधिनियम में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बी है बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार में से कोई बालक है। सी है विवाह के संबंध में बंधन में आने वाले पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है। डी है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत 16 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है। ई है जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय विद्यमान है, ऐसा कुटुंब न्यायालय, और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है किंतु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है वहां वह न्यायालय, और किसी अन्य क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारता है जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है। एफ ए अवैध किसी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। धारा 3 बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकारों के जो बालक हैं विकल्प पर शून्य करनी होना। प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर शून्य करनी होगा। परंतु किसी बाल विवाह को अकृत्यता की डिग्री द्वारा बातिल करने के लिए विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। दूसरा है यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय अर्जीदार अवैध है तो अर्जी उसके संरक्षक या बाध मित्र के साथ साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी। तीसरा है इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक की वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने से पूर्व फाइल की जा सकेगी। चौथा है इस धारा के अधीन अकृत्यता की डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के दोनों पक्षकारों और उसके माता पिता या उसके संरक्षकों को यह निर्देश देते हुए आदेश करेगा कि वे यथास्थिति दूसरे पक्षकार उसके माता पिता संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन मूल्यवान वस्तुएं आभूषण अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं आभूषण अन्य उपहार के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दे। परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंध पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए सूचना न दे दी गई हो। चौथा है बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। पहला, धारा 3A के अधीन डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को और यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवैध है तो उसके माता पिता या संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदेह करने के लिए। चौथा है बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। धारा 3 के अधीन डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को और ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवैध है तो उसके माता पिता संरक्षक को, विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदेह करने के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश भी कर सकेगा। दूसरा है संधि भरण पोषण की मात्रा का अवधारण जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली और संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तीसरा है भरण पोषण की रकम का मासिक या एक मुस्तदाफी के रूप में संदाय करने का निर्देश दिया जा सकेगा। चौथा है यदि धारा 3 के अधीन अर्जी देने वाला पक्षकार विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार है तो जिला न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश भी कर सकेगा। पाँच है बाल विवाह के से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। जहाँ बाल विवाह से जन्मे बालक हैं वहाँ जिला न्यायालय ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा। दूसरा, इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय
इस धारा के अधीन किसी बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण और सर्वोत्तम हितों पर जिला न्यायालय द्वारा सर्वोपरि ध्यान दिया जाएगा। तीसरा है बालक की अभिरक्षा के लिए किसी आदेश में दूसरे पक्षकार की ऐसी बालक तक ऐसी रीति से जो बालक के हितों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करती हो पहुँच के लिए समुचित निर्देश और ऐसे अन्य आदेश जो जिला न्यायालय बालक के हित में उचित समझे सम्मिलित हो सकेंगे। चौथा है जिला न्यायालय विवाह के किसी पक्षकार या उसके माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक के भरण पोषण का उपबंध करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकेगा। छठा है धारा 6 है बाल विवाहों की बाल विवाहों से जन्मे बालकों की धर्मस्था इस बात के होते हुए भी कि बाल विवाह धारा 3 के अधीन अकृत्यता की डिग्री द्वारा बातिल कर दिया गया है। डिग्री किए जाने के पूर्व ऐसे विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बालक चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात पैदा हुआ हो सभी प्रयोजन के लिए धर्मज बालक समझा जाएगा। साथ ही जिला न्यायालय की धारा 4-5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति जिला न्यायालय को धारा 4-5 के अधीन यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है तो अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय और अर्जी के अंतिम निपटारे के पश्चात भी किसी आदेश में जोड़ने उसे उपांतरित या प्रतिसंग्रहित करने की शक्ति होगी। 8 वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए 3-4 धारा 3-4-5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है या जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था या जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय सम्मिलित होगा। धारा 9 है बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 10 से बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा संचालित करेगा निर्दिष्ट करेगा दुष्प्रेरित करेगा वह जब तक यह साबित ना कर दे उससे पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। बाल विवाह के अनुष्ठान या संबंधित करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। जहां कोई बालक बाल विवाह करेगा वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार साधक में चाहे माता पिता अथवा संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अथवा अन्य किसी विधिपूर्ण या विधि विरुद्ध हैसियत में बालक है जिसके अंतर्गत किसी संगठन या व्यक्ति निकाय का सदस्य भी है जो विवाह का संबोधन करने के लिए कोई कार्य करता है या उसका अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है उसका अनुष्ठान किए जाने से निवारण करने में अपेक्षा पूर्वक असफल रहता है जिसमें बाल विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना सम्मिलित है कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय किया जाएगा जुर्माने से भी और 1,00,000 रुपये तक के जुर्माने 1,00,000 तक का जुर्माना हो सकेगा दंडनीय होगा परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। दूसरा है इस धारा के प्रयोजन के लिए जब तक केस के प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि जहां अवैध के बालक ने विवाह किया है वहां ऐसे बालक अवैध के बालक का भार साधक रखने वाला व्यक्ति विवाह अनुष्ठापित किए जाने से निवारित करने में उपेक्षापूर्वक असफल रहा है। 12 है कतिपय परिस्थितियों में किसी अवैध के बालक के विवाह का शून्य होना। जहाँ कोई बालक जो अवैध के विवाह के प्रयोजन के लिए पहला विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या लाने के लिए फसलाया जाता है या किसी स्थान में जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है सीहे विक्रय किया जाता है किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है या यदि अवैध के विवाहित है उसके पश्चात उस अवैध का विक्रय किया जाता है या दुर्व्यापार किया जाता है अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है वहाँ ऐसे विवाह अकृत और शून्य होगा। तेरा है बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। इस अधिनियम के किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का बाल विवाह प्रतिषिद्ध अधिकारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति से परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया जाने वाला है तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके अंतर्गत किसी संगठन का सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश निकालेगा। उपधारा 1 के अधीन कोई परिवाद बाल विवाह या बाल विवाहों का अनुष्ठापन होने की संभाविता से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी या विश्वास का कारण रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा और युक्तियुक्त जानकारी रखने वाले किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जा सकेगा।
तीसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर स्व प्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा। चौथा है अक्षय तृतीया, जैसे कतिपय दिनों पर सामूहिक बाल विवाहों के अनुष्ठापन का निवारण करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों के साथ जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा। पांचवा है जिला मजिस्ट्रेट पाँच है जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने या उसका निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी और इस प्रयोजन के लिए वह सभी समुचित उपाय कर सकेगा और अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा। छठा है उपधारा एक के अधीन कोई भी आदेश किसी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य या व्यक्ति संगम के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय ने यथास्थिति ऐसे व्यक्ति संगठन के सदस्यों या व्यक्ति संगम को पूर्व सूचना ना दे दी हो और उसे या उनको व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर ना दे दिया गया हो, परंतु किसी अत्यावश्यकता की दशा में न्यायालय को इस धारा के अधीन कोई सूचना दिए बिना अंतरिम व्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। सातवां है उपधारा एक के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश की ऐसे पक्षकार को जिसके विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया था सूचना देने और सुनने के पश्चात पुष्टि की जा सकेगी या उसे निष्प्रभाव किया जा सकेगा। आठ न्यायालय उपधारा एक के अधीन जारी किए गए किसी व्यादेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी विथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकेगा। नौ है जहाँ कोई आवेदन उपधारा एक के अधीन प्राप्त होता है वहाँ न्यायालय आवेदन को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने का शीघ्र अवसर देगा और यदि न्यायालय आवेदन को सुनने के पश्चात आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। दसवां है जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध उपधारा एक के अधीन व्यादेश जारी किया गया है उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा, परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगा। चौदह है व्यादेश के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। धारा 13 के अधीन जारी किए गए व्यादेश के उल्लंघन में चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम अनुष्ठापित किया गया कोई बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। धारा 15 है अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। 16 है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग के लिए जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिसकी अधिकारिता अधिसूचना विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगी। दूसरा है राज्य सरकार समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सम्मानित सदस्य या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के किसी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या किसी गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकेगी और यथास्थिति ऐसा सदस्य अधिकारी या पदाधिकारी तदनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा। तीसरा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि बाल विवाहों के अनुष्ठापन का ऐसा कार्रवाई करके जो वह उचित समझे निवारण करे। बी है इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह करे। सी है बाल विवाह के अनुष्ठापन का संबंधन करने सहायता देने या होने देने में अंतर्वलित न होने के लिए व्यष्टिक मामलों में सलाह दे या क्षेत्र के निवासियों को साधारणतया परामर्श दे। डी है बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करें। ई है बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाए। एफ है ऐसी नियतकालीन विवरणियां और आंकड़े दे जो राज्य सरकार निर्देशित करे और आई है ई एफ जी जी है एफ के बाद जी है नियतकालीन विवरणियां आंकड़े दे जो राज्य सरकार निर्देशित करे। ये एफ हो गया जी है ऐसी अन्य कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करे जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनिर्देशित किए जाएं। चौथा है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बाल विवाह प्रतिष्ठित अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनियुक्त कर सकेगी जो अधिसूचना विनिर्दिष्ट की जाए और बाल विवाह प्रतिष्ठित अधिकारी ऐसी शक्तियों का ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना विनिर्दिष्ट की जाए प्रयोग करेगा। पांच है बाल विवाह प्रतिष्ठित अधिकारी को धारा 4, 5, 13 के अधीन और धारा 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय
को आवेदन करने की शक्ति होगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को धारा 4, 5, 13 के अधीन और 3 के अधीन बालक के साथ आदेश के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति होगी। 17 है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का लोक सेवक होना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। 18 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या किए जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए कोई भी बात अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। 19 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। 2 इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। 19 से 20 से 1955 के अधिनियम संख्या 25 का संशोधन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 के खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात का धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में कठोर कारावास है जिसकी अवधि 2 तक हो सकेगी। जुर्माने से जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। 21 निरसन और व्यावृत्ति बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 का इसके द्वारा निश्चित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारंभ पर उक्त अधिनियम के अधीन लंबित या जारी सभी मामले और अन्य कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और निश्चित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो इस अधिनियम पारित ना हुआ हो। हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले आए हुए हैं एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सर्वोत्तम संकलन। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तो 10 जनवरी 2007 को प्राप्त हुई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी 2006 का अधिनियम क्रमांक है 2007 का 6। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी 2006 के अधिनियमन का उद्देश्य बाल विवाहों के अनुष्ठान का प्रतिषेध उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। 4 है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। 5 है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है 1/11/2007 को। कौन सा क्वेश्चन? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होता है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 का बी वाला है कि भारत के बाहर तथा भारत के परे भारत के सभी नागरिकों को। 6 है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रवृत्त हुआ तो 1/11/2007 से प्रवृत्त हुआ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है तो 2A में परिभाषित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है 18 वर्ष की आयु। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की 2B में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। 11 है बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह से अभिप्रेत है ऐसा विवाह जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार में से कोई एक बालक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है जो नियुक्त किया गया है 16(1) के अधीन। 13 है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2F के अनुसार अवैध से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन वह यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। 14 है प्रत्येक बाल विवाह विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर शून्य करनी होगा। 15 है वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत बाल विवाह को अकृत्यता की डिग्री द्वारा बातिल करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय बालक था। 16 यदि किसी बालक
16 है, यदि किसी बाल विवाह को अग्रत करने के लिए याचिका फाइल करके समय याचिकाकर्ता अवयस्क है तो याचिका फाइल की जा सकती है किसी के द्वारा उसके संरक्षक के मार्फत, बाल मित्र के मार्फत, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के मार्फत, उपरोक्त में से कोई भी। 17 है, वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत बाल विवाह को अग्रता की डिग्री द्वारा बातल करने के लिए 2 वर्ष के भीतर अर्जी फाइल की जा सकेगी। 18 है, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध दिया गया है धारा 4 में। 19 से बाल विवाह के अकृत किए जाने पर अनुबंध करने वाली महिला पक्षकार को भरण पोषण प्रदान किया जाएगा जब तक कि उसका पुनर्विवाह ना हो गया हो। 20 से भरण पोषण की मात्रा का अवधारण निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। बालक की आवश्यकताएं अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली संदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधन। 21 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा के अधीन बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा उपबंधित है धारा 5 के अंतर्गत। 2006 की धारा 6 के अनुसार बाल विवाहों से जन्मे बालक धर्म समझे जाएंगे। जिला न्यायालय को धारा 4-5 के अधीन और किसी आदेश में जोड़ने और उसे उपांतरित या प्रतिसंग्रत करने की शक्ति होगी यदि अर्जी के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय परिस्थितियों में कोई परिवर्तन है, अर्जी के लंबित निपटारे के पश्चात भी। 24 से धारा 3-4-5 के अधीन अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अधिकारता रखने वाले जिला न्यायालय में वह जिला न्यायालय अभिप्रेत है उस स्थान का जहां प्रतिवादी या बालक निवास करता है, जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, जहां अर्जीदार अर्जी पेश करने की तारीख को निवास कर रहा है। 12 विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड उपबंधित है धारा 9 के अधीन। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अधीन किसी वयस्क पुरुष को दंडित करने के लिए वयस्क पुरुष की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से अधिक। 18 वर्ष से अधिक के किसी वयस्क पुरुष द्वारा किसी बालिका से विवाह करने पर दंड है कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के अधीन बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड उपबंधित है। 29 से जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, वदनीय होगा कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा। बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड है कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा। 31 से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की 21 धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट है तो धारा 11 में। 32 से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की 11 के अधीन किसे कठोर कारावास दंडित किया जा सकता है, बालक के पिता को। 33 में से किन परिस्थितियों में विवाह अकृत और शून्य समझा जाएगा, जहां कोई बालक जो अवयस्क के विवाह के प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है या उसे आने के लिए फुसलाया जाता है, जहां कोई बालक जो अवयस्क के विवाह के प्रयोजन के लिए किसी स्थान में जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, किन्हीं प्रवंचना पूर्व साधनों से उत्प्रेरित किया जाता है, जहां कोई बालक जो अवयस्क के विवाह के प्रयोजन के लिए विकृत किया जाता है और किसी रूप में उसका विवाह कराया जाता है, या यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है, दुर्व्यापार किया जाता है, अनैतिक प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। 34 से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा के अधीन बाल विवाह प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी किया जा सकता है, 13 के अधीन। 35 से बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। 36 से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट।
बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला भी आदेश जारी किया जा सकता है। उपरोक्त किन्हीं भी परिस्थितियों में बाल विवाह प्रतिषिद्ध अधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर किसी भी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने पर स्वप्रेरणा से जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध धारा 13(1) के आदेश अधीन व्यादेश जारी किया गया है उस व्यादेश की अवज्ञा करेगा वह दंडनीय होगा। दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी अथवा दोनों जुर्माने से जो 1,00,000 रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से। धारा 13 के दिन जारी किए गए व्यादेश के उल्लंघन में चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम अनुष्ठित किया गया कोई बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। 40 से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है संघीय और अजमानती। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की 21 धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है। 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की 21 धारा में वर्णित है 16 में। 43 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16(1) के अधीन कौन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है तो राज्य सरकार। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की निम्नलिखित कौन सी धारा में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य स्पष्टीकृत किए गए हैं। 16(3) बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं है कि बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला अंतरिम व्यादेश जारी करे। बाल विवाह के अनुष्ठापन का ऐसी कार्रवाई करके जो वह उचित समझे निवारण करे ये कर सकता है। ऐसा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य संग्रह कर सकता है। बाल विवाह के अनुष्ठान का समर्थन करने सहायता देने होने देने में अंतर्विलित न होने के लिए वैष्टिक मामलों में सलाह दे या क्षेत्र के निवासियों को साधारणता परामर्श दे। बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला अंतरिम व्यादेश जारी करे ये नहीं कर सकता। निम्न में से कौन से कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के हैं तो बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करें, बाल विवाह के मुद्दों पर समाज को सुग्राही बनाए, ऐसे नियतकालीन विवरणियां और आंकड़े दे जो राज्य सरकार निर्देशित करे। सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16(4) के दिन जारी राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को शक्तियाँ विनिहित कर सकती है पुलिस अधिकारी की। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा यह घोषित करती है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। 17 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 18 किसको सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान करती है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम कौन बना सकेगा तो राज्य सरकार। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 20 निम्नलिखित अधिनियम को संशोधन करती है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को। बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्नलिखित अधिनियम को निश्चित कर दिया है तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1949। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।